हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। और आज का मेरा जो वीडियो है वो सामा चकेवा का है, जो मिथिलांचल का कल्चर है, जो हम लोग गाँव घर में मतलब जो है इसको एक तरह से भाई बहन का जो है हम लोग पर्व बोलते हैं इसको। तो आज मैं जा रही हूँ सामा चकेवा बनाने के लिए, तो आपके साथ मैं आज का ये वीडियो शेयर करूँगी। ये गाँव घर में तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर अकेली हूँ तो मैं अकेली बनाऊँगी। तो और जिस दिन भसान होता है मैं आपके साथ वो वाला वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि आज के दिन जो है सो जैसे आज खरना हो गया छठ का, तो आज के दिन बनता है, या फिर आप जिस दिन पारण करते हो छठ का यानी दूसरे अर्घ, उस दिन बनता है। तो मैं जो बनाने जा रही हूँ, और 10 दिन तक ये जो है शाम को गाना होता है सामा का, और वहीं पे जाके हम लोग जो है इसको खेत में जाके जो है भसाया जाता है, जिसको विसर्जन बोलते हैं। यहाँ पे तो खेत नहीं है, लेकिन हम लोग जो है 8-10 फैमिली मिल के एक जगह जाते हैं। मैं आपको ले चलूँगी वहीं पे, और वहाँ का भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग कैसे बनाते हैं और कैसे भसाते हैं और क्या क्या करते हैं। तो चलिए, जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, तब तक चलिए बनाते हैं। यहाँ पर जो है मैंने मिट्टी खरीद के रखा हुआ है। ये मिट्टी हमने वहाँ से ख़रीदा है जहाँ से हम लोग मिट्टी का बर्तन खरीदते हैं। तो मैं इसको जो अच्छे से पहले मिक्स करूँगी, उसके बाद बनाऊँगी। गांव घर में तो अपना खेत से मिट्टी लेके आइए, तब बनाइए, बहुत अच्छा बनता है। उसमें ज़्यादा आपको सानना नहीं पड़ेगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा कंकर पत्थर रहता है। पहले मैं एक गोल बना लूँगी। इसमें बनता तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे जितना याद है मैं भी उतना ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने बना लिया है, जो बनाना था मुझे 3-4 सामान, ये भाई बहन और एक है ये 7 गो चिड़ैया हैं, लड्डू खा रहे हैं, और ये एक मैंने डॉगी बनाया है। जैसा बना मैंने बना लिया अभी अभी सतभैया भी बनाऊंगी, उसके बाद बनेगा वृंदावन, फिर चुगला, सब बेराबेरी बनाऊँगी। मुँह से जो बन पाता है मैं अभी बना रही हूँ, बाकी मैं जब देखूँगी सीखूँगी तब बनाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ तो मुझे जो है उतना याद भी नहीं आ रहा अभी। देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया है, अब इन सबको सुखाएंगे, उसके बाद जो है इसको कलर करेंगे। तो चलिए पहले इसको सुखाते हैं, क्योंकि इसको सूखने में 2-3 दिन लग जाएगा। और देखिए ये जो है हमारा थोड़ा सा सूख गया है, क्योंकि मौसम जो है उतना अच्छा नहीं था, धूप नहीं था, तो ये बढ़िया से नहीं सूखा है। फिर भी जैसा है मैं उस पर जो है ये चावल का वाइट वाला है, चावल को मैंने पेस्ट बना के इस पर छीट दूँगी। और 2 लाइन आपको गाना सुना देती हूँ। गे माई कोने भैया रोपल आमुन जामुन, कोने भैया रोपल गुलाब, गे माई कोने भैया रोपल आमुन जामुन, कोने भैया रोपल गुलाब, गे माई कोने भैया रोपल अड़हुल फूल बा, तोड़ी तोड़ी सामा के चढ़ैब, गे माई कोने भैया रोपल अड़हुल फूल बा, तोड़ी तोड़ी सामा के चढ़ैब, गे माई सरवन भैया रोपल आम
राजेश भैया रोपाल गुलाब गे माई, राजकुमार भैया रोपल अड़हुल फूले बा, तोड़ी तोड़ी सामा के चढ़ैब गे माई, राजकुमार भैया रोपल अड़हुल फूले बा, तोड़ी तोड़ी सामा के चढ़ैब गे माई, कोने भैया रोपल आमुन जामुन, कोने भैया रोपल गुलाब। गाम की अधिकारी तो है बड़का भैया है, आहे आमन भैया है, भैया हाथ दस पोखरी खुना दिया, चंपा फूल लगा दिया है। गाम के अधिकारी तोहे रीसु भैया है, तोहे रीसु भैया है, भैया हाथ दस पोखरी खुना दिया, चंपा फूल लगा दिया है। गाम के अधिकारी तोहे रौनक भैया है, आहे शुभम भैया है, भैया हाथ दस पोखरी खुना दिया, चंपा फूल लगा दिया है। और देखिए यहाँ पे मैंने जो है कलर कर दिया है, समा हमारी रेडी है, अब ले जाएंगे विसर्जन के लिए। दोस्तों 10 दिन हो चुका है और 10 दिन से जो है समा को हम लोग गाना गाते थे रोज रात को, और आज पूर्णिमासी है और आज के दिन जो है समा का विसर्जन होता है, तो आज विसर्जन के लिए हम समा को जो है ले जाते, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं गिर गई तो मुझे चोट लग गई है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो मैं जो है अपना बेटा को भेज रही हूँ क्योंकि बेटा लेके जाएगा, और वहाँ जो है दीदी लोग को हम बोल दिए हैं फ़ोन करके कि दीदी मैं नहीं आ पाऊँगी, तो दीदी बोली कोई बात नहीं आप भेज दो समा, मैं विसर्जन कर दूँगी, घर में तो नहीं रखना है ताकि मैं ठीक हो जाऊँ उसके बाद जाऊँ। तो मैं आप लोग को वहाँ का भी वीडियो आप लोग को दिखाऊँगी क्योंकि मैं नहीं जाऊँगी, मेरा बेटा वहाँ से वीडियो जो है बना के लाएगा, और यहाँ पे घर में जो है हम लोग समा को कैसे घर से विदा करते हैं वो दिखाऊंगी। यहाँ पे जो है समा को हम लोग दही चूड़ा चीनी खिला रहे हैं गुड़ के साथ। अब जो है उनको थोड़ा सा जो हम लोग पोती बना है उसमें जो है चूड़ा और गुड़ भर दे रहे हैं। इसमें गाँव घर में कोई चावल दाल जैसे जो होता है वगैरह डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर जो है गुड़ और चूड़ा डाला है, ये विधि बैठ के होता है लेकिन मैं बैठ नहीं पा रही हूँ इसलिए मैंने खड़ी होकर ही कर दिया। अब मेरी बेटी जो है समा को पानी पिला रही है क्योंकि खिलाने के बाद जो है पानी पिलाया जाता है। अब जो है भाई को जो है चूड़ा और गुड़ दे रही है, इसको खोइछा बोलते हैं, फाफड़ बोलते हैं। देखिए अब हो गई है समा जाने के लिए रेडी, तो मैं 2 लाइन आपको गाना सुना दूं। माटी के रसानी सानी सामा बन लिए, सामा बन लिए होई छानी आई भसान, होई छानी आई विदा। Yeah.
और चटेमा छपी बिल्कुल